मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बयान दिया है कि सुबह बिस्तर से उठते ही और या सोते जागते जो है प्रतिपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के लोग जो हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कि आप भी बिस्तर से उठते ही सुबह से ही झूठ फैलाने लगते हैं। सुबह उठते हैं, हेलीकॉप्टर उठाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये सारा झूठ नहीं है तो और क्या है? 3 महीने रह गए सत्ता के सारे, और 3 महीने में तो शौचालय भी नहीं बनता, और आप जो है लगातार लगे हुए हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, नीलामी लगी हुई है, बोली लगी हुई है, कोई आपने कोई बजट का प्रोविजन नहीं किया, किसी चीज का जो है बंदोबस्त किया नहीं है, दिवालियापन प्रदेश का हो चुका है, जब आप हटेंगे 85,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। लेकिन आप हमें तो कह रहे हैं कि हम बोलते हैं, हम तो विपक्ष में हैं, हमें तो आवाज उठानी है, लेकिन आप जो है सुबह से जब झूठ बोलने लगते हैं, आपके झूठे ऐलान हैं, झूठे बयान हैं, झूठी घोषणाएं हैं, इस पे इम्प्लीमेंट जो है हो ही नहीं सकती स्टेट जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरे को कहना कि बिस्तर से उठते ही जो बोल रहे हैं आप, तो बिस्तर से उठते ही ऐसा झूठ फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में, और फिर सारा सरकारी खर्चे पे, आप सारी पार्टी जो है पार्टी का सारा तामझाम सरकारी खर्चे पे चला रहे हैं, और उन ऑफिसर्स को भी, सचिवालय में बैठे ऑफिसर्स को भी, खासतौर पर मुख्य सचिव को शर्म आनी चाहिए कि किस ढंग से आप प्रदेश के इसका खजाने का जो है लूट मचाई हुई है आपने। सारा सारा पैसा जो है जो प्रदेश के लोगों पे लगना है वो आपने पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट पे लगा दिया, पार्टी के कार्यक्रमों पे लगा दिया। हमें अफसर बताते हैं कि जी किस ढंग से दबाव किया जा रहा है कि आप ये कार्यक्रम करो, ये दूसरा कार्यक्रम करो, तीसरा कार्यक्रम करो, आपके लिए बसें भी वही ऑर्गेनाइज करें, आपके लिए परौंठे भी जो है पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके कानगो से लेके सब लोग तो रोटियां बनाने में लगे हुए हैं, आपकी सरकारी दफ्तरों में तो कोई होता ही नहीं, और फिर आप पब्लिसिटी में किस ढंग से आपने 700 करोड़ रुपया फूंक दिया है, लगातार आप जो है बैनर्स बनवा रहे हैं, होर्डिंग्स बना रहे हैं, और अब तो विरोधी अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए भी आप एजेंसियां हायर कर रहे हैं, आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए तो एजेंसियां हायर की हैं करोड़ों रुपया लगा के, वो हमें सूचना है, लेकिन आप विरोधियों को बदनाम करने के लिए, उन पे झूठे आक्षेप लगाने के लिए भी एजेंसियां हायर कर रहे हैं, और करोड़ों रुपया आप जो है इस पे खर्च करना चाह रहे हैं। तो सरकारी कोष को इतनी बेरहमी से तो जो किसी ने भी नहीं लुटाया, तो आपको मालूम है कि आपका समय जा रहा है, और आप जो है सारा दिन बैठ के चाहे जितनी मर्जी बोलियां लगाएं, नीलामी लगाएं, कहीं भी जो मर्जी घोषणा कर जाए, प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि ये सब झूठ का पिटारा है, सब झूठ है, इसमें कुछ भी संभव नहीं है, और जो समय आपके पास बचा है उसमें सिर्फ प्रदेश की बर्बादी हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।